बिल्कुल राजेंद्र, आप देखते किस तरीके से झड़प की खबरें लगातार सामने आ रही है। सोनभद्र से एक खबर है, दो प्रत्याशियों के बीच यहां पर झड़प हुई है। राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज मतदान केंद्र के बाहर ये झड़प देखने को मिली है। मौके पर एसडीएम और प्रत्याशी समर्थक फरार हो चले हैं। एसडीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं, मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज मतदान केंद्र के बाहर ये झड़प हुई है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से झड़प की खबरें सामने आ रही है। देखिए, मौके पर एसडीएम पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो प्रत्याशी समर्थक थे वो वहां से फरार हो चले हैं। तो ऐसे में यहां पर ये बड़ी खबर है कि सोनभद्र में दो प्रत्याशियों के बीच झड़प देखने को मिली है। राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज मतदान केंद्र के बाहर देखा गया किस तरीके से झड़प हुई थी और वहां से प्रत्याशी समर्थक फरार हो चले हैं, लेकिन मौके पर वहां पर एसडीएम पहुंच गए हैं। पूरे मामले के बारे में जानकारी ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है और आगे इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी की जाएगी। झड़प की खबर है, निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच में झड़प की खबर आ रही है और मौके पर पहुंच गए एसडीएम। लोगों के साथ मारपीट का वहां पर मामला भी है। इसी बीच में एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है, फिर से एक बार चलेंगे हर्षा के पास ब्रेकिंग सेंटर, वो बताएंगे हमें इस वक्त की ताजा और बड़ी अपडेट। और कानपुर से ये खबर है जहां पर सिंधी समाज के लोगों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया गया। भाजपा की महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने इस पूरे मामले को लेकर माफी भी मांगी है। सिंधी समाज के लोगों से प्रमिला पांडे ने ये माफी मांगी है, पैर छूती हूँ, अभी वोट दो, इन सबको सबक सिखा दूंगी। प्रमिला पांडे ये बोलती हुई नजर आई है। वार्ड नंबर 69 में 2180 से ज्यादा सिंधी वोटर हैं, ऐसे में इन सभी से माफी मांगी गई है। बड़ी संख्या में ये वोटर हैं, बड़ा लॉस यहाँ पर वोट को लेकर हो सकता है। सिंधी समाज के ये लोग थे जिन पर यहाँ पर ये मारपीट का आरोप लगा है और प्रमिला पांडे यहाँ पर बोलती हुई नजर आई हैं कि पैर छूती हूँ, अभी वोट दो, इन सबको सबक सिखाया जाएगा। अरे आप आज का काम आपको मेरा वोटिंग कर दो। बिल्कुल चल रहे हैं, सबक सिखाऊंगी जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। देखिए, वोटिंग तो चल रही, शांतिपूर्ण ढंग से तुरंत फोर्स बाद में आया, उनसे भी आग्रह जो हुआ, वोटिंग चल रही है। देखा आपने, प्रमिला पांडे जो कि बीजेपी के मेयर पद की प्रत्याशी हैं, निवर्तमान मेयर भी हैं, वो पहुंची, उन्होंने कहा कि मैं पैर छूती हूँ, वोट दो और फिर ऐसा सबक सिखाऊंगी उन लोगों को जैसा आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए। रतीश, इसका प्रभाव पड़ा कुछ इस अपील का? बिल्कुल, देखिए, उसी सिंधी कॉलोनी के उसी बूथ पर मैं मौजूद हूं जहां पर वोटिंग हो रही है और जिसके चलते ये वाकया हुआ था। 2180 मतदाता हैं सिंधी कॉलोनी के और यहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन करने की बात उड़ी। अफवाहें काफ़ी उड़ती हैं, आप भी जानते हैं, चुनाव के दिन, चुनाव के एक दिन पहले तमाम उड़ती हैं और ऐसे में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। जो यहाँ के लोग हैं, जो आम जनता हैं, सोसाइटी के रहने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि उनका ऐसा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे 15 से 20 की संख्या में और उसके बाद उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज की और मारपीट की, नौबत तक आ गई, मारपीट भी की और उसके बाद फिर जब संख्या बढ़ गई सोसाइटी के लोगों की तो वो यहाँ से चले गए। लेकिन आपको बूथ की तस्वीर दिखा देते हैं जो थोड़ी राहत भरी दिखती है कि तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 4 बूथ हैं सिंधी कॉलोनी में, इस बूथ पर संत राम कंवर धर्मशाला है और लंबी कतार लगी हुई है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, उनकी शिकायत क्या है ये भी सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश निगम। राजेश जी, क्या दिक्कत परेशानी हो रही वोटिंग? दो नंबर पे आधा घंटा समय खड़ा हूँ, एक नंबर रूम एकदम खाली, वहाँ कोई लाइन नहीं, दो नंबर पे लाइन लगी, आधा घंटा हो गया, मुझे वोट डालने का मौका नहीं मिल पा रहा है। आपकी क्या शिकायत है भाई साहब? सर, मेरा नाम धीरज गुप्ता है। 1130 नंबर ये जो है जिसपे दो नंबर की लाइन लगी हुई है, लगभग आधा घंटा हुआ है, केवल 4 आदमी ही आगे बढ़े हैं और कंटिन्यूअसली मैं सुबह से तीसरी बार आया हूँ इस बार और तीसरी बार में मुझे इतनी ही लाइन मिली है। आप सुबह से तीसरी बार वोट डालने आया हूँ लेकिन मेरा वोट अभी तक नहीं पड़ पाया है क्योंकि हर बार लाइन बहुत लंबी होती है। वोटिंग मतलब प्रक्रिया धीमी हो, बहुत स्लो है, बहुत ही ज्यादा स्लो है। आरोप लगाए जाते हैं काफी कई बार की प्रत्याशियों के लिए कुछ ऐसा किया जाता है, आप भी कुछ बता रही थी, इधर आइए पंकज जी। आप एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।